उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है, जिसको लेकर लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर रोक लगाने के लिए काम कर रहा है। वहीं अगर बात करें रामनगर की, तो रामनगर में नशा एक अभिशाप के रूप में जहर बनकर युवाओं को इसमें धकेलने का काम कर रहा है। नशे से होने वाले नुकसान को लेकर और इसे रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए रामनगर के ग्राम हिम्मतपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने जहर से जिंदगी तक शॉर्ट फिल्म रिलीज की, जिसका शुभारंभ रामनगर के कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने किया। उन्होंने स्कूल प्रशासन की जमकर प्रशंसा की, साथ ही इस फिल्म में विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले सभी स्कूली बच्चों को भी बधाई दी। स्कूल के प्रबंध निदेशक प्रसून श्रीवास्तव ने बताया कि फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है कि नशा समाज में एक अभिशाप है तथा इससे हम कैसे बचें और नशे का सेवन करने से क्या परिणाम इंसान की जिंदगी में हो सकते हैं। वहीं रोल कर रहे बच्चों ने कहा कि उन्होंने नशे से दूर रहने का फिल्म के माध्यम से एक प्रयास किया है, जो कहीं न कहीं बच्चों के साथ ही उनके माता पिताओं को भी बच्चों को इनके परिणामों से दूर रखने के लिए यह फिल्म प्रभावशाली होगी। देखिए, ये जो मूवी है ये हमारे स्कूल के बच्चों ने ही अभिनीत की है। इस मूवी का जो उद्देश्य है बनाने का वो ये है कि समाज में इस समय नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है और ये युवाओं में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, नशे के प्रति उनका बड़ा लगाव सा हो गया है। तो और बहुत तरह तरह के नशे हैं समाज में इस समय व्याप्त हैं, जो हमें पता भी नहीं लग रहे हैं। तो उसी चीज़ से हम बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने जो माध्यम चुना वो मूवी का चुना। तो हमें लगा कि एक शॉर्ट मूवी अगर हम इससे बनाते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है कि लोगों को जागृत किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए नशे के प्रति जो समाज में फैला हुआ है, तो ये एक मुझे अच्छा माध्यम लगा। और बच्चों ने भी हमारे इसमें सहयोग किया, उन्होंने कहा हम एज ए वॉलंटियर काम करना चाहते हैं। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा बच्चों की, क्योंकि पहले आप जानते हैं हम लोग थिएटर के माध्यम से चीज़ों को करते हैं, बट थिएटर एक ऐसी चीज़ होती है कि लोगों को थिएटर तक आना पड़ता है, तो हर एक व्यक्ति को थिएटर दिखाना उतना आसान काम नहीं है। लेकिन YouTube चैनल के माध्यम से एक मूवी बनाकर लोगों तक इसे पहुंचाना एक इन कंपैरिजन टू थिएटर इजी है। तो ये हमें एक माध्यम ऐसा लगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी इस जागरूकता अभियान को पहुंचा सकते हैं, और इसको हम लगातार जारी रखेंगे, आगे भी हम जारी रखेंगे। अभी जो हमने मूवी बनाई है उसका नाम जहर से ज़िंदगी तक हेल टू हेवन है। हेल टू हेवन में हमने, यहाँ पे आप हमारे पोस्टर में देख रहे होंगे कि हेल, हमने एक सिगरेट को हेल बनाया हुआ है और हेवन के आगे हमने एक कलम को दर्शाया हुआ है। मेरा नाम अर्नब अग्रवाल। इस मूवी के ब्याह पे हमने ये मैसेज दिया है कि जो एल्डर्स अपने बच्चों से नशे मंगवाते हैं, क्योंकि होता ही है, देखा जाता है कि आजकल घरों में छोटू ये लेके आ जाओ उस दुकान से, छोटू यहाँ से वो लेके आ जाओ, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एक बेस होती है बच्चों का नशे की तरफ जाने के लिए। वहीं से एक बच्चा खरीदना सीखता है, और जब खरीदने, जब हाथ में चीज़ आ रही है, जब एक वो सिगरेट हाथ तक पहुँच रही है, तो वो एक ना एक दिन मुँह तक भी ज़रूर पहुँचेगी। और यही चीज़ है जिससे एक बच्चा नशा करना शुरू करता है। और बच्चा नशा करना, अब वो खरीदना तो उसके पेरेंट्स ने सिखा दिया, नशे को करना, उसमें उसको एंजॉय करना पीयर प्रेशर सिखा देता है, उसके सहपाठी साथ में पढ़ने वाले, उसके दोस्त यार सब उसको सिखा सकते हैं ये सब चीज़ें। तो बेस ही अगर ना किया जाए, अगर उसके पेरेंट्स, उसके सबसे पहले जिनका इंट्रैक्शन होता है उनका, उस बच्चे का उस अपने पेरेंट्स से, तो अगर पेरेंट्स ही ना करें, पेरेंट्स ही स्टार्टिंग से उसको कोई रूट ही ना दे नशे का, तो हो सकता है कि बच्चा इन सब चीज़ों से दूर ही रहे। मैंने इस मूवी में विजय का रोल करा है। विजय एक ऐसा लड़का जिसके, जैसा कि मैंने अभी बोला, मेरे जो फादर हैं इस मूवी में हिमांशु, ये मुझसे नशा मंगवाते हैं और हम लोग इस, मतलब मैं लेकर के आता हूँ, बचपन से एक हैबिट होती है, दुकान वाला भी कोई डाउट नहीं करता बिकॉज मेरे को वो जानता है कि मेरे फादर हैं इस तरीके से। तो बचपन से वो सिगरेट, वो बीड़ी मेरे हाथ में थी, मगर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे थोड़ा प्रेशर भी पड़ा और आगे चीज़ें बढ़ती गई, तो वैसे ही नशे का ब्रांड और ये क्वालिटी और चीज़ें भी बढ़ती गई धीरे धीरे, वो बीड़ी से सिगरेट, सिगरेट से गांजा, इस तरीके की चीज़ों पर आते गए। सर, हिमांशु पांडे। सर, मैंने विजय के फादर का रोल किया है और मैंने इस मूवी में ये मैसेज देखा है कि हम जैसे अपने बच्चों से मंगाते रहते हैं, जैसे पेरेंट्स आजकल के वो अपने बच्चों से नशे का सामान मंगाते हैं, बोलते हैं कि जा ये यहाँ से ये ले आ, बगल की दुकान से ये सब, तो हमें वो, तो पेरेंट्स ये सब ना करें तो उनको ये मैसेज मिलेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे जाके ये सब नहीं करेंगे।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लैंडस्केप ढिकोली क्षेत्र में एक निजी रिसोर्ट में 15 फीट लंबा किंग कोबरा निकलने से पर्यटकों में हड़कंप मच गया। साथ ही किंग कोबरा देखे जाने से रिसोर्ट कर्मचारी खौफजदा हो गए। आनंद फानंद में इसकी सूचना सर्प विशेषज्ञ को दी गई। मौके पर पहुंचे सेव द स्नेक समिति के अध्यक्ष चंद्रसेन कश्यप ने किंग कोबरा को बमुश्किल रेस्क्यू किया। इसके बाद किंग कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया। दरअसल आज ही हमको सूचना मिली सर, ग्राम ठिकली के अंदर एक रिसोर्ट में कोई एक सांप नजर आया है, जबकि वहाँ के रिसोर्ट वालों ने हमें सूचना दी। वहाँ जाके देखा तो एक किंग कोबरा नजर आया, जो कि नई उम्र का है, 12 से अधिक मात्रा में जरा लंबा है। हमने पहुँचे, हमारी टीम वहाँ पहुँची, पहुँचने के उपरांत हमने इसको रेस्क्यू किया, अब इसको जंगल में छोड़ने की तैयारी कर। हालांकि देखिए रिसोर्ट का मामला है तो आप जानती हैं, पर्यटक लोग भी, देश विदेशी लोग भी आए हुए, वो देख के लोग घबरा गए, हड़कंप मचा हुआ था। जहाँ पहुँचे लेकिन हम लोगों ने शांत करा, ताकि किसी बात के लिए कोई डरे उरे ना करे, तब लोगों पब्लिक को हमने शांत करा, तब पकड़ा, तब उन्होंने रात की सांस ली और हमारा धन्यवाद आभार प्रकट किया। पिथौरागढ़ जनपद के तहसील बंगापानी ग्राम सभा तोरी निवासी भूपेंद्र प्रसाद को एक साल बीतने के बाद भी अटल आवास योजना की दूसरी किश्त नहीं मिली है। वहीं धनराशि न मिलने से भूपेंद्र प्रसाद का आवासीय मकान अधूरा रह गया है। आपको बता दें कि भूपेंद्र प्रसाद एक गरीब अंत्योदय बीपीएल परिवार से होने की वजह से उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूपेंद्र प्रसाद 10 सालों से आवासीय मकान के लिए विकासखंड विधानसभा का चक्कर काट रहे थे और उन्हें 10 सालों से आश्वासन नहीं दिया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर पूर्व जिलाधिकारी रीना जोशी से मिलकर समस्या से अवगत करवाया, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने अटल आवास योजना से भूपेंद्र प्रसाद को आवासीय मकान देने के लिए आदेशित किया है। अभी इस वक्त मैं ग्राम सभा तोली में हूं, तहसील बंगापानी के ग्राम सभा तोली में, और पूर्व में मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ से अनुरोध करने पर ग्राम सभा तोली के भूपेंद्र प्रसाद जी को आवासीय मकान का लाभ दिया गया था, जिससे उनका ये काम तो हो गया है पर दूसरी किस्त न मिलने से छत नहीं जा पाया है। इसलिए मैं जिलाधिकारी जी से मांग करता हूं कि तत्काल संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई कर प्रभावित परिवार को तत्काल दूसरी किस्त का मुआवजा दिया जाए, ताकि समय से आवासीय मकान बन सके और प्रभावित परिवार आवासीय मकान पर रह सके। गरीब परिवार से होने के कारण वे छत डालने में असमर्थ है, इसलिए शीघ्र मुआवजा देने की मांग करते हैं। धन्यवाद। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की अंतिम सीमा पर स्थित बनकोट में 4 दिवसीय बनकोट महोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीर राम टपटा ने किया और कहा कि लोक संस्कृति को बचाने के लिए महोत्सव का होना अनिवार्य है। महोत्सव के माध्यमों से हमें अपनी संस्कृति देखने को मिलती है। महोत्सव को सरकार की ओर से मत दिलाने की बात कही। महोत्सव समिति के अध्यक्ष रविन्द्र बनकोटी ने कहा कि 4 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में स्थानीय कलाकारों और स्कूली बच्चों के साथ प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव को लेकर क्षेत्र में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नैनीताल पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर गठित मोबाइल रिकवरी सेल ने देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 160 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनके अनुमानित कीमत 29,60,000 है। मोबाइल रिकवरी सेल की यह कार्रवाई शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों के आधार पर शुरू की गई थी। इन प्रार्थना पत्रों में उपलब्ध कराए गए IMEI नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता का श्रेय मोबाइल रिकवरी सेल और नैनीताल पुलिस मोबाइल ऐप टीम को दिया है। देखिए, जो ऐसे पीड़ित है जिनके मोबाइल कहीं गुम हो जाते हैं, वो हमारे पास मोबाइल ऐप में आके यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाते हैं। तो हमारी जो मोबाइल ऐप टीम द्वारा समय समय पर ऐसे जो मोबाइल है उनका सर्विलांस किया जाता है और इनके चालू होने पर इनकी बरामदगी करने का कार्य किया जाता है। आज हमने 160 मोबाइल जो हैं वो बरामद करके पब्लिक को वितरित किए हैं और इस साल भर में हमने लगभग 400 से ज़्यादा मोबाइल जो है पब्लिक को वितरित किए हैं, जिनकी कीमत 75 लाख रुपए के आसपास की। मेरा मोबाइल खोया जून में 12-13 तारीख थी। घर पे मैं सोई थी छत पे, तो वहीं से मेरा मोबाइल खोया। मैंने काठगोदाम थाने पे रिपोर्ट लिखवाई थी, तो आज मेरा मोबाइल मिला है। कल रात मुझे कॉल आई थी यहाँ कोतवाल से, सर की कॉल आई कि आपका फ़ोन मिल चुका है और ओप्पो मॉडल है आपका, और अभी 11 बजे पहुंची और क्या कहते हैं अपना मोबाइल लेके जाओ। और टीम ने जो सारी यहाँ की टीम है, टीम लोगों ने, मैडम लोगों ने, सर लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और मेरा मोबाइल मिला और बहुत अच्छा काम किया कि 5-6 महीने बाद जो मोबाइल मिल गया मेरे हाथों में आ गया मेरा मोबाइल। आश्रमों की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर आमजन से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पौड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी के निर्देशन में एक के बाद एक कई साइबर ठग
कोड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। गीता भवन के प्रबंधक गौतम कुमार ने थाना लक्ष्मण झूला में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने गीता भवन की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण झूला ने कुशल कार्रवाई व साक्ष्य संकलन के उपरांत गीता भवन की फर्जी वेबसाइट को बनाने वाले का पता भरतपुर राजस्थान में होना सामने आया, जिस पर पुलिस टीम ने दबिश देकर फर्जी वेबसाइट बनाकर गीता भवन और अन्य आश्रमों में ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे लाने वाले गैंग के मुख्य अभियुक्त नासिर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। गैंग में सम्मिलित अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु पौड़ी पुलिस प्रयास कर रही है। साइबर फ्रॉड्स के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में हमारे पास बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि एक गैंग के द्वारा लक्ष्मण झूला ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत जो आश्रम है उनमें बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स बनाई गई हैं और इन वेबसाइट्स पर फेक बुकिंग के नाम पर पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक गैंग है जो कि भरतपुर राजस्थान से ऑपरेट कर रही है, जो कि फेक वेबसाइट बनाकर लोगों से बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर रही है। इसमें गैंग के मुख्य अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरा समस्त जनता से यह अनुरोध है कि आप कभी किसी आश्रम की बुकिंग करवा रहे हैं तो इस की पुष्टि अवश्य करवा लें कि ये वेबसाइट फर्जी ना हो और आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो रही हो। आप कृपया बुकिंग करने के समय ये सत्यापित अवश्य करवा लें कि ये वेबसाइट जेन्युइन हो। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।